फेल होने के बाद एक एक एक्टर किस तरह से प्रिंसिपल से झगड़ रहा है, छोटा सा एक्ट मैं पेश कर रहा हूँ, उम्मीद आप जरूर पसंद करेंगे। और इस कॉलेज के प्रिंसिपल है फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही मशहूर कैरेक्टर एक्टर अशोक कुमार जी। जैसे ही मोर्चा आता है अशोक कुमार जी सबको एक लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। बाद में एक फिल्म स्टार अशोक कुमार से झगड़ रहा है, छोटा सा एक्ट पेश कर रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल साहब दादा मुनि अशोक कुमार। अरे अरे ये लो देखो तुम्हारे रिजल्ट सारे के सारे फेल हो गए हो। मेरे पेपर लीक करने के बावजूद तुम लोग फेल हो गए हो, शर्म नहीं चाहिए तुम। अरे अरे जाओ जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मगर मरने से पहले एक बात याद रखना, कॉलेज की बची हुई फीस भर देना। अरे छन पकैया छन के ऊपर खेल, इम्तहान को भी खेल समझ लिया, सारे हो गए फेल। पुराने जमाने के और मशहूर एक्टर जिनकी आवाज में अलग स्टाइल थी, अलग अंदाज था, फेल होने की बारी है ओम प्रकाश साहब। जैसे अशोक कुमार जी को देखते हैं प्रिंसिपल को, गर्दन पकड़ लेते हैं उनकी ओम प्रकाश। अरे अशोक के बच्चे, तूने मुझे कहा था तुम मुझे पास कर दोगे, फिर भी मैं फेल हो गया। अरे ओ भैया, ये कोई ठीक बात नहीं है। अरे ओ, इम्तिहान की फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने भागवंती के गहने बेच के पैसे इकट्ठा किए, फिर भी मैं फेल हो गया। मगर तू भी कान खोल के सुन ले, अगर तू मुझे पास नहीं कर सकता तो मेरे पैसे वापस कर दे, मेरे पैसे वापस कर दे भैया, पैसे वापस कर दे। फेल होने की बारी फिल्म इंडस्ट्री के किंग खान शाहरुख खान। कितनी आसानी से कह दिया कि फेल हो गया। अब पढ़ाई करने के बावजूद फेल हो गया मैं, तो क्या हुआ मेरी फिल्म जीरो नहीं चली? इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे जीरो मार्क्स दोगे। अरे देखिए 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 ना सर, अपने इन्हीं हाथों से पेपर लिखे मैंने, अगर आप मुझे पास नहीं करेंगे ना तो कूद जाऊंगा मेरी चेन्नई एक्सप्रेस से, अरे जान दे दूंगा अपनी मैं, और कोई माइकल हाल मुझे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। ये ना प्रिंसिपल माइंड इट। फेल हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री के छोटे नवाब सैफ अली खान। आई मीन टू से एक्सक्यूज मी सर, आपने मुझे फेल क्यों किया? यू नो सर, हम लड़के जो होते हैं वो कोई भी काम लड़कियों से पूछे बगैर नहीं करते। अरे पेपर लिखते समय में करीना को साथ ले गया था, वो बोलती गई मैं लिखता गया, वो बोलती गई मैं लिखता गया, अरे यहां तक के मजाक में उसका नाम अपने हाथ पे लिख दिया करीना, फिर भी मैं फेल हो गया। यू नो सर, अगर आप मुझे पास करेंगे तो मेरी लाइफ बन जाएगी, वरना मेरे प्यार की पुंगी बच जाएगी। सर आप प्लीज मेरी लाइफ बना दीजिए, मुझे पास कर दीजिए, प्लीज 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 प्लीज। फेल होने की बारी थ्री इडियट्स के रैंचो आमिर खान। अबे प्रिंसिपल के बच्चे, पागल हो गया तू, दिमाग खराब हो गया तेरा? अबे चतुर को पास कर दिया, रैंचो को फेल कर दिया, अरे इडियट समझ रखा है क्या? अरे अपन सर 15 मिनट लेक्चर में बैठे हैं और 15 मिनट में अपन ने पेपर सॉल्व कर दिया, 15 मिनट के अंदर अंदर अपन को पास कर दे वरना आग बन वो खुल्ला कर देगा। वैसा अपन बोलता है ना, जब गाल पे पड़ेगी तभी बात बनेगी। क्या फेल हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री के सिंघम बाजीराव सिंघम अजय देवगन। जिसकी पढ़ाई में है दम तो फक्त बाजीराव सिंघम। सर आपने मुझे फेल क्यों किया? मुझे फेल करने से पहले एक बार मेरे गांव वालों के बारे में तो सोचा होता, क्योंकि वो गांव मेरा है और मैं उस गांव का। मैं जानता हूं इस कॉलेज का चेयरपर्सन जयकांत शिकरे है, जयकांत को उसके चेयर के साथ साथ तोड़ दूंगा, अभी क्या अभी, उसके सारे गुंडों की हड्डी पसली कर दूंगा, अभी क्या अभी, सीधी तरह से मुझे पास कर दीजिए अभी के अभी, वरना बचे शटकेल आली रे आली आता तुझे बारी आली। कमाल करते हो गणेश जी,
आइए आप और हम मिलकर खेलते हैं दस का दम, मगर दस का दम खेलने के चक्कर में मुझे सिर्फ 10 मार्क मिले और मैं फेल हो गया। कोई बात नहीं, अगले कंटेस्टेंट को बुलाते हैं। कंटेस्टेंट और कोई नहीं है, 1947 से परेशान जेलर असरानी साहब। बापू मैं फेल हो गया, मगर इसमें मेरा कोई दोष नहीं। कॉपी मारने के लिए मैं संजू बाबा के पीछे बैठा था, वो खुद तो फेल हो गया, साथ साथ मुझे भी फेल कर दिया। मगर डरने की कोई बात नहीं, अगली बार मैं रणवीर कपूर के पीछे बैठूंगा, क्योंकि वो है यंगिस्तान का वाव। इनके बाद बारी है फिल्म इंडस्ट्री के बैडमैन गुलशन ग्रोवर। मास्टर जी मैं फेल हो गया, गन्ना चूस गया, मगर इसमें मेरा कोई दोष नहीं। कॉपी मारने के लिए मैं किताब पर लग गया था, मगर कॉपी नहीं मारी क्योंकि पेपर था इंग्लिश का और मैं गणित की किताब ले गया, गन्ना चूस गया। कमाल कर दिया सर आपने, सिर्फ 1 मार्क के लिए फेल कर दिया, शर्म आनी चाहिए सर आपको। देखिए सर, दरअसल मैं दंगा फसाद बिल्कुल नहीं चाहता, अगर आप मुझे पास नहीं करेंगे तो मैं मेरे बिगड़े हुए भाई परेश रावल को बुलाऊंगा। बड़े भाई परेश रावल बौखला गए है, प्रिंसिपल साहब तो बौखला गए रे बाबा। भारत माता इसे कुछ नहीं आता। ये राजू ये शाम साला जिस तरह से भूखा कुत्ता रोटी उठा के लाता है ना, लाता है कि नहीं है? उसी तरह ये प्रिंसिपल के बीबी बच्चों को उठा के मेरे पास लेके आओ, वरना कल को लोग कहेंगे कि बाबू भैया के पट्टे पानी कम हो गए रे बाबा। लाइन के अंत में आते हैं मुन्ना और सर्किट। प्रिंसिपल की केबिन का दरवाजा तोड़कर दोनों अंदर घुस जाते हैं। अबे प्रिंसिपल के बच्चे, तूने अपुन को फेल कर दिया। अरे एंट्री के एग्जाम में टॉप किए ले अपुन ने, अपुन को फेल कर दिया। अरे अपुन जानते हैं इंसान के जिस्म में 206 टाइप का सिर्फ हड्डी होता है, सीधी तरह से अपुन को पास कर दे वरना सारी की सारी तोड़ दूंगा। ये सर्किट समझा दे इस मामू को, विनम्र से माना तो ठीक है, वरना दे दे इसको गेटवेल सुन का कार्ड और जादू की छप्पी। पीछे सर्किट खड़ा है, उसका रिप्लाई देखिए, पार्मिशन लेने का नहीं देने का। वाह वाह वाह, प्रिंसिपल के भेजे हुए केविन अलोचे, इसका मानसिक ही नहीं शारीरिक संतुलन भी हिल गया। भाई विनम्र से इसका हृदय परिवर्तन नहीं होएगा,